नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती स्टडी सर्किल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 6 का पाठ्य पुस्तक जो है रुचिरा भाग्ये, उसका पाठ 8 जो है शुक्तिवतः, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए, यानी कि ऊधमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणेन मनोरथे, यानी कि इसमें ही कह रहा है कि ऊधमेन यानी कि परिश्रम करना और सिद्ध्यति यानी सिद्ध, कार्याणि यानी कार्य, मनोरथ यानी क्या होता है, इच्छा होना, यानी कि उद्यमेन ही सिद्ध्यति कार्याणि न मनोरथे, यानी कि उद्यमेन यानी परिश्रम, उद्यमेन क्या होता है परिश्रम, परिश्रम। ठीक है ना दोस्तों, परिश्रम, और इसमें मनोरथ का अर्थ क्या होता है, इच्छा, इच्छा, यानी कि उद्यमेन ही सिद्ध्यति कार्याणि न मनोरथे, न सिंहै सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ठीक है ना, मृगा यानी कि इसमें हमारे बताया गया है कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। ठीक है ना, मनोरथे, हमें परिश्रम करने से क्या होते हैं, कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा करने से कार्य सिद्ध नहीं होते। न इसी प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में अगर हिरण प्रवेश नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छा करने से हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। पुस्तके पठिता पाठम जीवने नैव साधिता, और हमें पुस्तक को पढ़ना, पढ़ के पाठ करने से और जीवन के लिए नैव साधित यानी उसको साध आदर पूर्वक बनाना चाहिए, उसको जीवन में अपने उतारना चाहिए। ठीक है ना, पुस्तक यानी पुस्तक को पठितानि पढ़कर पाठ करके अपने जीवन में नैव साधते, हमेशा के लिए उसको क्या करना चाहिए, उतार लेना चाहिए। ठीक है, के भवे किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक, यानी कि क्या भवेत तेन पाठेन, क्या पढ़ने से जीवने यो न सार्थक, क्या पढ़ने से जीवन सार्थक नहीं होगा, पुस्तक के पढ़ने से ही और पाठन करने से ही जीवन सफल होगा, नहीं पढ़ने से क्या जीवन सार्थक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे देखते हैं। देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, और प्रिय वाक्य बोलने चाहिए सभी मानवों को, प्रिय वाणी बोलने चाहिए, और सभी को प्रिय वाक्य जो है वो सभी को क्या होते हैं, मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तस्माद् प्रियम ही वक्तव्यम पन बचने का दरिद्रता, और तस्मा सभी जो हैं वो प्रिय बोलते हैं, बचने का दरिद्रता, क्या वचनों में प्रिय वचन बोलने में कोई दरिद्रता हो सकती है। ठीक है, यानी कि ये कह रहे हैं कि सभी जो है प्रिय वाक्य जो है वो सभी के मन को मधे लगते हैं, सभी के मन को मोहते हैं, और प्रियम ही वक्तव्यम बचने का, और प्रिय वचन जो है वो बोलने से क्या दरिद्र हो जाते हैं। इसके बाद देखिए, गच्छन पीपलो को याद, पीपल को रंग चीटी, पीपलो को यानी क्या होता है दोस्तों, चीटी, चीटी, गच्छन पीपलो को याद योजना नाम सत तान्यपि, यानी कि जैसे चीटी जो है वो योजनों तक, कोसों तक चलती है, सत्य योजनों तक चलती है, उसी प्रकार अगच्छन वेन तेज पदमेकम न गच्छति, उसी प्रकार जो वेन तेज अपि यानी कि होता है गरुड़,
गरुड़ ठीक है ना, गरुड़ पद एक नगच्छति, यानी कि जो चीटी है नर चीटी है वो हजारों कोस चलती है योजनों चलती है, उसी प्रकार जो है बेन तेव अपि पदम एकम नगच्छति, और गरुड़ क्या है जो एक भी पद नहीं चल सकता है, उसी प्रकार काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयो, यानी कि काक कौवा जो है वो भी काला है और कोयल जो है वो भी काली है, और इन दोनों में क्या क्या भेद कोई बता सकता है कि कौन सा तो पिक है और कौन सा काक है, यानी कि कौन सी तो कोयल है और कौन सा ही कौवा है। बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, यानी कि बसंत के समय जब प्राप्ते यानी कि सुबह के समय जब कोयल और काक दोनों बोलते हैं यानी कि अपने जो आवाज को जो है निकालते हैं तो उसमें पता लग जाता है कि काकः काकः पिकः पिकः, तो कोयल ही है और काक काक ही है, यानी कि कोयल की जो है वो मीठी और मधुर आवाज आती है और काकः जो है वो मतलब कड़वी और अच्छी आवाज कठोर आवाज होती है, इसलिए उन दोनों में पता चल जाता है। इसलिए ये जो हमारा जो पाठ है उसमें क्या सूक्ति वक्तों में बताया गया है कि परिश्रम करने से ही मनुष्य आगे बढ़ता है, जिस प्रकार सोई हुए सिंह के मुख में हिरण नहीं जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य को इच्छा जो है उसको नहीं करना चाहिए, मनुष्य को हमेशा अपने कार्य में परिश्रम में ध्यान लगा करके आगे बढ़ना चाहिए, और इसमें प्रिय प्रिय वाक्य बोलने चाहिए, और जरूरी नहीं है कि प्रिय वाक्य में दरिद्रता हो, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में यानी कि जो चींटी है वो बहुत दूर तक जा सकती है, गरुड़ जो है वो एक पैर भी नहीं चल सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो कोयल भी बोलती, कोयल भी काली है और कौवा भी काला है, तो जो कोयल जो बोलती है वो मीठा और मधुर बोलती है और कौवा जो बोलता है वो बहुत ही कड़वा बोलता है, इसलिए बसंत के समय इन दोनों में पता लग जाता है कि कौन कोयल है कौन कौवा है। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने परिश्रम से ही कार्य करना चाहिए, अपनी इच्छा से नहीं, हमेशा हमें लगन से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।